आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन इसी बीच राजस्थान विश्वविद्यालय से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां आरयू के शिक्षक और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि आरयू के 70 शिक्षकों ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने कुलपति को पत्र भी लिखा है और चुनाव लड़ने के लिए NOC मांगी है। पहली बार इतने शिक्षक एक साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिक्षकों ने आरयू के एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट के जरिए मिले अधिकारों का वो उपयोग करना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत शिक्षक राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाना सही नहीं है। कई शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं तो कई शिक्षक इसका समर्थन भी कर रहे हैं। जो शिक्षक इस बात का समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए वो चुनाव में ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि चुनाव एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकते हैं। फिलहाल शिक्षकों ने कुलपति को चुनाव लड़ने के लिए NOC जारी करने का पत्र लिख दिया है। शिक्षकों के इस निर्णय से चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिला प्रशासन ने आरयू के करीब 70 शिक्षकों की चुनावी कार्य में ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी को लेकर शिक्षकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध भी जताया है। अगर आरयू के शिक्षकों को चुनाव लड़ना ही है तो पहले उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी, क्योंकि आरयू के शिक्षकों के लिए जो अलग अलग नियम कायदे बनाए गए हैं उनके अनुसार सरकारी कर्मचारी पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के शिक्षक पद पर रहते हुए चुनाव लड़े जा सकते हैं। करीब 70 शिक्षकों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की NOC के लिए आवेदन किया है। इस दौरान उनके आवेदन पर नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अब देखने लायक ये होगा कि क्या इस बार होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की कमान शिक्षकों के हाथों में होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।